जय श्री गणेश दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। गणेश चतुर्थी आने वाली है तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, गणेश जी को मोदक और लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चार तरह के बहुत ही टेस्टी मोदक की रेसिपी। तो सारे मोदक बहुत ही टेस्टी बनते हैं, रेसिपी को आप ध्यान से ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रेसिपी है मिल्क पाउडर मोदक की, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा वैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। दूध में बॉईल आने देंगे। दूध में बॉईल आ चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मलाई। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है जो कि हम आइसिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं केक की, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मलाई को भी हल्का सा मेल्ट हो जाने देंगे। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 स्ट्रिंग्स ऑफ सैफरन यानी कि केसर। एक कप मिल्क पाउडर और गैस की फ्लेम को लो रखें और मिक्स करते जाएं। बाकी बचा हुआ भी ऐड करते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और बिल्कुल मावे जैसा डो बनके रेडी हो जाए। तब तक हम इसको पका लेते हैं। अब ये थोड़ी थिकनेस पे आ गया है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून शुगर। इसमें हमने मलाई भी ऐड की है, दूध भी, तो मिल्क पाउडर की जो मिठास है थोड़ी कम हो गई होगी, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर देंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर केसर की जगह पर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर दें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपके पास केसर नहीं है तो इलायची का फ्लेवर भी बहुत अच्छा इन मोदक में आ जाएगा। मिल्क पाउडर है वो काफ़ी अच्छी थिकनेस पे आ गया है, एकदम मावे थिकनेस पे आ गया है। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके मोदक बनाएंगे। और अब हम मोदक बनाना शुरू करेंगे तो उसके लिए पहले थोड़ी सी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने लिए हैं थोड़े से काजू बादाम बारीक कटे हुए, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर, और अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो ये स्टफिंग बनके रेडी हो गई है और अभी हम ले लेते हैं थोड़ा सा मिक्सचर और इस तरह से इसको इसके बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर थोड़ी सी डालेंगे स्टफिंग और इसको चारों तरफ से इस तरह से बंद करते हुए ऐसे गोल लड्डू जैसा इसका बना लेंगे। इसको डिप करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट में, अच्छी तरह से मैंने कोट कर दिया है। अब इसको हम डालेंगे मोल्ड के अंदर। दूसरी साइड से इस तरह से प्रेस कर देंगे, इस तरह से दबा देंगे, यहां से अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अंदर जा रहा है थोड़ा सा डो हमारा, तो थोड़ा सा डो और ऐड कर दीजिए यहाँ पे, और एक्स्ट्रा डो अगर कहीं से बाहर आ रहा हो तो उसको भी निकाल दीजिए। तो ये देखिए हमारे सुपर टेस्टी मिल्क पाउडर मोदक बनके रेडी है। तो बस इसी तरीके से सारे मोदक बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सभी को पसंद आने वाले, मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही टेस्टी मोदक बनके तैयार हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। मोदक की रेसिपी शेयर करूं तो ये मैं बना रही हूँ चावल के आटे के मोदक। इसमें हम नारियल और गुड़ की स्टफिंग करके इनको बनाएंगे। ये स्टीम्ड मोदक हैं, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं।
तो चावल के आटे का डो बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप चावल का आटा, और इसके लिए हम कढ़ाई गरम करेंगे। उसमें डालेंगे 3/4 कप पानी और 1/2 कप दूध, 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और 1/4 टीस्पून नमक। जब पानी और दूध में बॉईल आ जाएगा फिर हम आटा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर लें और आटा थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करते जाएं। ये मोदक ऊपर से फीके ही बनते हैं, लेकिन अगर आप हल्की मिठास चाहते हैं तो 2 टेबलस्पून शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं। और जब सारा आटा हम डाल के मिक्स कर देंगे फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आटे को ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। और तब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है नारियल का एक गोला, तो उसको मैं इस तरह से ग्रेट कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर 1 कप नारियल चाहिए तो मैं इसको ग्रेट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो रेडीमेड क्रश किया हुआ नारियल ले सकते हैं। और अब मैंने गरम कर लिया है एक पैन, तो उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी और मैं उसमें डाल रही हूँ थोड़े से खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। और जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी और नारियल डाल के नारियल को 1 मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप गुड़। 1 कप नारियल के लिए 1/2 कप गुड़ सफिशेंट होता है। और बस गुड़ के मेल्ट होने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ा सा नटमेग पाउडर यानी कि जायफल का पाउडर। इस तरह से थोड़ा सा क्रश कर देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा स्टफिंग में। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। स्टफिंग को दूसरे बोल में या प्लेट में निकाल लेंगे। अब आटे को चेक कर लेते हैं। तो यह हमारा आटा अच्छे से फूल गया है, तो इसको हम बड़ी थाली में ले लेंगे और थोड़ा सा मैश करके एक डो फॉर्म में ले आएंगे। अब ये हल्का गुनगुना है तो अच्छी तरह से ये मैश होकर बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा। और मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया है, तो अब मैं इस तरह से मैश कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे भी थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें दूध ऐड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। तो ये देखिए आटा डो फॉर्म में आ चुका है। अब हम मोदक बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है मोदक मोल्ड। इसमें मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। और अब हम इसके अंदर इस तरह से चावल के आटे को फिल करेंगे। इसको मैं आपको 2 तरह से बनाकर दिखाऊंगी। और मैंने दोनों तरफ चावल के आटे को इस तरह से लगा दिया है। अब मैं इसमें रख रही हूँ स्टफिंग और इस तरह से हम बोल को बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा निकल रहा है उसको हम हटा देंगे। तो ये देखिए मोदक बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं बोल के अंदर से। जहाँ से भी हमको एक्स्ट्रा आटा निकलता हुआ दिखेगा उसको हम हटा देंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया मोदक बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए बोल्ट की ग्रीसिंग हमको सिर्फ 1 टाइम करना है, बार बार इसको ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम बनाते हैं मोदक दूसरे तरह से। तो ये देखिए बोल्ट के अंदर हम थोड़ा सा चावल का आटा डाल देते हैं और इसको चारों तरफ फैला देते हैं। बीच में थोड़ा सा होल करते जाएं, ये देखिए इस तरह से, ताकि हम इसमें अच्छे से स्टफिंग भर सकें। और मैंने इस तरह से स्टफिंग डाल दी है। स्टफिंग अच्छे से आ गई है इसके अंदर। मैंने काफ़ी गहरा इसमें होल कर दिया था, ये देखिए। और बस इस तरह से पैक कर देंगे और बस हम मोदक निकाल लेते हैं मोल्ड में से। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया मोदक बन के रेडी हो रहे हैं। और बस इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे। और मोदक को स्टीम करने के लिए मैंने रख दिया है कढ़ाई में पानी। पानी में बॉईल आ चुका है, उसके ऊपर मैंने रख दी है 1 छन्नी, नॉर्मली स्टैंडर्ड जो घर में होता है पोहे वगैरह की छन्नी। और उसके ऊपर मैंने रख दिया है केले का पत्ता। अगर आपके पास केले का पत्ता ना हो तो आप इसको ग्रीस कर सकते हैं थोड़ा सा घी लगाकर। और इसके अंदर मैंने मोदक रख दिए हैं। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी तो मोदक रखते हुए आपको नहीं दिखा पाई हूँ।
तो मैंने ये सारे मोदक लगा दिए हैं स्ट्रेनर में, और थोड़ी सी केसर को मैंने दूध में भिगो कर रखा था, तो मैं इसको डाल रही हूँ मोदक के ऊपर। इससे क्या होगा कि लुक्स में बहुत अच्छे हो जाएंगे मोदक और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम मोदक को ढक देंगे किसी अच्छे से ढक्कन से, जिससे वो कवर हो जाए बढ़िया तरीके से, और 15 मिनट तक इनको मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। तो 15 से 20 मिनट में मोदक अच्छे से स्टीम हो जाएंगे आपके। आप चाहें तो इनको चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा छू कर देख लें, अगर ये चिपकते हैं हाथ में तो मतलब स्टीम नहीं हुए हैं ठीक से, तो इनको थोड़ा और स्टीम कर लीजिए। अगर ये हाथ में नहीं चिपक रहे हैं तो बढ़िया तरीके से स्टीम हो चुके हैं। और अब हम इनको कढ़ाई में से अलग कर लेते हैं, और 5 मिनट तक इनको ठंडा करने के बाद केले के पत्तों पे से इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया मोदक बनके तैयार हो गए हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ अब। तो दोस्तों आप गणेश चतुर्थी पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब चलते हैं मोदक की नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये मोदक बनेंगे मावे और मैदे से, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और ये मेरे फेवरेट है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए हम सबसे पहले मैदा बाइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया है, मैं उसमें 2 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ और बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, और फिर घी और मैदे को अच्छे से मिक्स कर देंगे साथ में। तो ऐसे गुठलियां फोड़ते हुए मैदे और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालकर मैदे को बाइंड करेंगे। और हमको कड़क मैदा बाइंड करना है, मैदे को गीला नहीं करना है। तो देख सकते हैं आप, मैंने टाइट मैदा बाइंड किया है बिल्कुल। और बस हम मैदे को ढककर रख देते हैं 10 मिनट के लिए, तब तक स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें हम डाल देंगे 250 ग्राम मावा। मावे को क्रम्बल करते हुए डाल देंगे, और मावे को हमको लगातार चलाते हुए भूनना है। गैस को हम लो मीडियम रखेंगे, मावे को जलने नहीं देंगे बिल्कुल भी, और मावे को हल्का सा कलर चेंज होने के लिए भूनना है हमको। लगातार स्टर करते जाएं। तो आप देख सकते हैं मावा भून गया है, बहुत हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम मावे को एक बोल में निकाल लेंगे और मावे को बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो मावा मैंने बोल में निकाल लिया था और बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो हम 1 टेबलस्पून पिस्ता कतरन, 1 टेबलस्पून चारोली और 1 टेबलस्पून बादाम कतरन और 1 टेबलस्पून किशमिश ऐड कर देते हैं। आप जो भी चाहें अपने पसंद से ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर हम इसमें 1/3 कप पिसी हुई शक्कर भी ऐड कर देंगे। और मैंने 4 इलायची को पीस कर उसका पाउडर बना लिया है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मिक्स कर देंगे, मैं यहाँ पर हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो स्पून से मिक्स कर लें। तो ये मिक्स हो गया है, हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 टेबलस्पून के लगभग नारियल का बूरा और मिक्स कर देंगे। तो बस स्टफिंग बनके तैयार है। जब तक हम मोदक बनाएंगे तब तक चाशनी बनने के लिए रख देते हैं। तो चाशनी बनने के लिए मैंने एक बर्तन में 1 कप शक्कर डाल दी है, और इसमें हम ऐड कर देंगे 3/4 कप पानी। हमको कोई तार की चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ ऐसी चाशनी बनाना है
आपके हाथ में थोड़ा सा चिपकने लगे। मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे हम शक्कर और पानी को। तो जब तक चाशनी बन रही है हम मोदक बनाकर तैयार कर लेते हैं और बीच बीच में चाशनी को भी स्टर करते जाएंगे। तो मैदे को हम एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे और उसकी नींबू के आकार की लोइयां तोड़कर तैयार कर लेंगे मोदक बनाने के लिए। तो बस हम एक लोई लेकर उसको गोल कर लेंगे और उसको हल्का सा बेल लेंगे। बीच में से पतला ना करें, किनारे से हम थोड़ा सा पतला रखेंगे और बीच से थोड़ा सा मोटा रखेंगे ताकि स्टफिंग भर के चिपकाने में आसानी होगी और जो मोदक हैं वो खुलेंगे नहीं। अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे, तो ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे। और ये मैंने एक टीस्पून मैदे में 2 टीस्पून पानी डाल दिया है, तो इसकी एक स्लरी बना ली है। अब स्लरी से हम मोदक को चिपकाएंगे ताकि जब हम फ्राई करेंगे तो मोदक खुले नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ लगा लिया है स्लरी को। अब हम इस तरीके से चारों तरफ से उठा के ऐसे प्लेट्स देते हुए मोदक को चिपका देंगे। ये देखिए बहुत इजी है, बिल्कुल आराम से हो जाता है। तो ये मोदक बनके तैयार हो गया है। ऊपर अगर ज्यादा मैदा आ गया हो तो आप हल्का सा निकाल दें। तो देखिए बहुत ही अच्छा शेप आ गया है। बस ऐसे ही हम सारे मोदक बना लेंगे, लेकिन हम उसके पहले चाशनी चेक कर लेते हैं। तो चाशनी हल्की सी थिक हो गई है और ये देखिए हाथ में हल्की सी चिपकने भी लग गई है। तो हमको बिल्कुल ऐसी ही चाशनी चाहिए। तो बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मोदक फ्राई करने के लिए हमने घी गरम कर लिया है। सारे मोदक भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक एक करके मोदक डाल देते हैं घी में। हमने घी को मीडियम हॉट किया है और गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखा है और मोदक को हम चाशनी में डिप करेंगे। इसके लिए हमने इनकी जो परत है मैदे वाली वो थोड़ी सी मोटी बनाई है, इसलिए हम इनको लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाए और बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। तो जितने मोदक कढ़ाई में आ गए हैं उतने मैंने डाल दिए हैं, ज़्यादा ना भरें आप एकदम से, नहीं तो फ्राई करते टाइम मोदक टूट सकते हैं। तो हम फ्राई होने देंगे एक साइड से और हल्का हल्का सा घी हम मोदक के ऊपर डाल देंगे। ध्यान रहे कि हल्के हाथ से करें, मोदक टूटे ना। तो लगभग 2 मिनट हो गए हैं लो मीडियम फ्लेम पर सिकते हुए मोदक को। तो हम सारे मोदक पलट देंगे हल्के हाथ से। ये देखिए कितना सुंदर शेप आया है, कितने बढ़िया मोदक बने हैं। मोदक को हमको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और अगर कोई मोदक गलती से खुल जाता है तो घबराएं नहीं, उसको धीरे से कढ़ाई में से बाहर निकाल लें और सबसे लास्ट में उसको फ्राई कर लें। तो ये देखिए अब मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दिया है और बस फ्लिप करते हुए हम मोदक को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मोदक फ्राई हो गए हैं, उनको एक एक करके निकाल लेते हैं कढ़ाई में से। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है, बहुत अच्छे से बिल्कुल एक जैसे फ्राई हो गए हैं। तो बस बाकी बचे हुए मोदक भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जो मोदक हम फ्राई कर चुके हैं उनको हम चाशनी में डाल देते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए हम चाशनी में डाल देंगे।
बीच में एक बार पलट देंगे ताकि चाशनी अच्छे से कोट हो जाए मोदक के ऊपर। तो बस अब हम मोदक को चाशनी में से निकाल लेते हैं। ये देखिए दिख रहा है ना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर। तो इस तरह से हम मोदक चाशनी में से निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए मोदक भी चाशनी में डाल देंगे। तो ये देखिए मैं बाकी बचे हुए मोदक भी निकाल लेती हूँ चाशनी में से। तो ये देखिए हमारे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी मोदक बनके तैयार हैं। इस तरह से आप गणेश जी के 10 दिनों में एक बार ज़रूर बनाएं, गणेश जी आपसे खुश हो जाएंगे। और अगर आपको पसंद आए रेसिपी तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरह से मोदक बना सकें। अब चलते हैं मोदक की नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट जो रेसिपी है हमारी, जो कि हम बिना गैस जलाए बनाएंगे, और ये मोदक 2 से 3 मिनट में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके रेडी हो जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिए आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए मैंने 2 पैकेट ओरियो बिस्किट्स ले लिए हैं। ये 10 बिस्किट्स हैं और इनको मैं डाल लेती हूँ मिक्सर के जार में। इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 7-8 काजू के पीस। और अब इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ डार्क चॉकलेट कंपाउंड और फिर से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट कंपाउंड ना हो तो आप इसकी जगह पर 10 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क या 5 रुपीज़ वाली 5-स्टार यूज़ कर सकते हैं। तो मोदक बनाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अगर आपका मिक्सचर ड्राई हो तो आप 1-2 टेबलस्पून दूध ऐड कर सकते हैं। और अब जो मोदक का मोल्ड है उसको हम ग्रीस कर लेते हैं पाउडर शुगर के साथ, ताकि जब मोदक बनाकर हम इसमें से निकालें तो इजीली निकल जाए। तो इस तरह ऐसे करके मैं हटा देती हूँ शुगर, तो ये हल्का सा कोट हो जाएगा। और अब इसको वापस से बंद करके इसके अंदर हम डाल देते हैं जो मिक्सचर हमने रेडी किया है। इस तरह से दबा दबा कर मोल्ड को हम फिल कर लेंगे। अच्छे से प्रेस करके भर दें इसको, ताकि जो मोदक का डिज़ाइन है और जो शेप है वो पूरी तरह से आए। मोदक को मैंने पूरा फिल कर लिया है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए मोदक बनके रेडी हो चुका है। हमने इसमें जो जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, आप सोच सकते हैं कि मोदक कितना टेस्टी बना होगा। आप इनको बनाएंगे तो बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे, चट कर जाएंगे बच्चे, आपका भूख लगाना मुश्किल कर देंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और बाकी मोदक भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो ये देखिए दूसरा मोदक भी बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, तो इस रेसिपी में हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ किए हैं और 2 मिनट में मोदक बनकर रेडी हो जाते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज के मोदक की चारों रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी लगी और आपने कौन सी रेसिपी ट्राई की। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मेरे 2 चैनल हैं, एक सिंपल रेसिपीज़ एंड ब्लॉगिंग करके और एक है इजी लाइफ भी सीखा। तो प्लीज़ दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे अदर चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।